नमस्कार। इस वक्त हम हैं इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में और लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में लगातार जो गेहूं की आवक है वो बढ़ रही है और किस तरह की आवक है और क्या कुछ दाम अभी गेहूं के नजर आ रहे हैं ये जानते हैं। व्यापारी हैं, सीधे इनके पास चलते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानेंगे किस तरह की आवक है और किस तरह की डिमांड गेहूँ की अभी वर्तमान में। आवक तो खैर 15 से 16 हज़ार बोरी की रहती है, पर अभी चुनाव के कारण आवक कम हो गई है। अब लगभग तो कम ही रहेगी, इतनी आवक तो बढ़ेगी नहीं, पर गेहूं यहाँ पर अच्छा आया, करीब 20-20 हज़ार बोरी के आसपास का आया है। पर यूँ इनाल देखो तो गेहूं की क्राप कम है, इसलिए आवक अब थोड़ी सी कम हो जाएगी। यदि हम बात करें तो अलग अलग जो है अलग अलग इस जगह से हमारे पास गेहूं आ रहा है, किस तरह का गेहूं अभी वर्तमान में आ रहा है? चूँकि बताया जा रहा है कि क्वालिटी थोड़ी सी डल हुई है गेहूं की पिछले साल की तुलना में इस साल, तो इस साल व्यापार कितना इसका इफेक्ट जो है व्यापार पर पड़ा है? क्वालिटी में तो खैर फर्क आया है, क्योंकि इस बार क्राप भी कम बैठी है और यहाँ वैसे मालोराज ज़्यादा आता है इस मंडी में, जो फिर दलिया वलिया के काम आता है। बाकी जो है क्रॉस वैरायटी आती है वो थोड़ा सा वो भी कम आता है, वो लगभग 2600-2700 के आसपास बिकता है। बाकी तो फिर यहाँ की क्राप में सिर्फ मालोराज ज़्यादा आता है, जो तेजस करके गेहूँ आता है वो ज़्यादा आता है, उसकी रेंज लगभग 2400 से लेकर 2500 के आसपास की रहती है। अलग अलग क्वालिटी के गेहूं की रेंज अभी वर्तमान में क्या चल रही है? लोकवन है या आपका 147 है, इनके क्या दाम अभी वर्तमान? हाँ, अब जैसे ये जो क्रैप मतलब जैसे मालोराज और ये अपने तेजस है, ये लगभग 2400 से 2500 की रेंज है, और लोकवन आता है 2600 से 2700 की रेंज, और क्रॉस वैरायटी आती है करीबन 2800 से 2900 की रेंज। पर ये क्रॉस वैरायटी बहुत कम देख आती है, इसलिए रेंज लगभग यही चलती रहती है, मतलब 2400 से लेकर 2700 तक आसपास। संभावना जताई जा रही है कि जो आने वाला वक्त है वो गेहूं के लिए काफ़ी अच्छा है और गेहूं के दाम जो है आने वाले समय में बढ़ेंगे, ऐसे में कहां तक गेहूं के दाम जाएंगे और किस तरह की व्यापार की स्थिति आने वाले समय में बनेगी? अब जैसे कि अगर ये अपन सोच रहे हैं कि 2400 से 2500 वाला जो गेहूं आ रहा है तेजस और मालोराज, इसके लगभग लोगों को उम्मीद है कि 3000 रुपये की रेंज आ सकती है इसकी, और बाकी जो क्रॉस वैरायटी में सब में मतलब तेजी तो करीबन 400-500 रुपये की तेजी तो संभव है ही। और यदि हम बात करें तो कहां कहां से गेहूं हमारे पास आ रहा है और आने वाले समय में आवक किस तरह के रहने के अनुमान हम जता रहे हैं? अब गेहूं तो क्या आसपास जो यहां देपालपुर है, गौतमपुरा है, ये आसपास की मंडी मतलब गांव से आता है और यहां खैर अच्छा गेहूं आता है यहां पे, और बाकी जो बाहर जो जाते ही है इधर बेंगलोर साउथ आउट में इसका अच्छा है और उधर बाहर जाता ही रहता है ये गेहूं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि वर्तमान में संभावना जताई जा रही है कि गेहूं का उत्पादन कम हुआ है, तो क्या लगता है आने वाले समय में हमें दूसरे देशों से गेहूं मंगाना पड़ेगा? हो सकता है, क्योंकि अब सर गवर्नमेंट को गेहूं मिल नहीं रहा है, क्योंकि इस बार सरकार में बहुत कम तुला, क्योंकि गेहूं के रेट इतने ज़्यादा थे कि वो 2400 किसान यही मंडी में ही देना पसंद करता था कि वो, क्योंकि इससे कम रेट में वो तुलते ही नहीं था वहाँ पे, और गेहूं के कारण इसलिए शायद हो सकता है कि बाहर से बुलाना पड़ जाए गेहूं। और यदि हमको गुहार से गेहूं बुलाना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में क्या मानते हैं, क्या दाम एक बार फिर से जो है इंक्रीज होंगे गेहूं के? अब ये तो गवर्नमेंट पे है, अगर गवर्नमेंट कभी सख्ती से थोड़ा सा नियम और ये लागू कर दे स्टॉक सीमा इन पे, तो थोड़े से डाउन हो सकते हैं, फिर भी इनाल देखो तो तेजी की संभावना ज़्यादा लग रही है निश्चित तौर पर। तो व्यापारी हैं जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि आने वाला जो समय है वो गेहूं के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, यही कारण है कि गेहूं के जो दाम है वो लगातार आने वाले समय में बढ़ेंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि गेहूं के दाम आने वाले समय में कहां तक जाते हैं। इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी से नमन मटके।